हाय एवरीवन, कैसे हो। नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये देखिए, फ्रेश मेथी ठंडी में तो यही मज़े होते हैं, जो कि किचन के सारे सामान वेजिटेबल्स खास करके बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेश मेथी ले लिया है मैंने, मेथी का डंठल निकाल दिया है और एक आज बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, एक अलग टाइप से मैं आज मेथी की पूरियां बनाना बताऊंगी आप सबको। और ख़ुद घर पे बना रही थी तो मैंने सोचा शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बारीक बारीक मेथी को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। चॉप करने से कहने का मतलब, इतना बारीक चॉप करो, अगर मिनी चॉपर हो तो वो बेस्ट है आपके पराठे के लिए। और हाथों से अगर चॉप करते हैं तो बहुत ही बारीक करिएगा। तो अभी मैं इस चॉपर में डाल रही हूँ, क्योंकि चॉपर में चॉप करूँगी एकदम बारीक, फाइन। तो दोस्तों हमेशा हम मेथी के पराठे बनाते हैं, जैसे कि मेथी को और आलू को फ्राई करके और बारीक एकदम कट करके फ्राई करके फिर आटा में गूंथते हैं। और कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि मेथी को कच्चा ही, मतलब इस तरीके से इसे बारीक चॉप करके और डायरेक्ट आटा में गूंथते हैं। कभी कभी इसको फ्राई करके गूंथते हैं, लेकिन आज जो मैं स्टफिंग बताऊँगी वो एकदम डिफरेंट, एकदम अलग है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी। हमारे यहाँ बहुत लोग हेल्दी चीज़ बहुत ही खाना पसंद करते हैं, कभी कभी टेस्ट भी सोचते हैं कि चेंज हो। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे घर की ही पनीर है, मैंने घर पे ही बनाया है एकदम फ्रेश पनीर। तो यहाँ पे इस पनीर को करूँगी ग्रेटर से, आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिएगा, चाहे तो बारीक बारीक कट करके डाल दीजिएगा, वो ऊपर आपके है। और यहाँ पे देखिए फाइन चॉप हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे मेथी लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है मटर, फ्रेश मटर, सारे ठंडी में फ्रेश ही मिलते हैं, चाहे वो घर के आपके हो चाहे बाहर के हो। और ये है पनीर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है। और ये है दूध की मलाई जो ऊपर की होती है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मसाला, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर, ये सब आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से फ्लेवरफुल बना सकते हैं। दोस्तों चाहे तो आप दूध की मलाई डालें पराठे में, या तो नहीं, मलाई डालने से क्या होता है कि मेथी के कसैलापन थोड़ा कम हो जाता है और उसकी जो बहुत ही, मतलब उसकी फीलिंग रहेगी, तो फीलिंग उसकी बहुत ही, मतलब चिपकी चिपकी होगी, बेस्ट। यहाँ पे आटा मैं ले रही हूँ, तो आटा को मैंने नॉर्मल पानी से थोड़ा ढीला मुझे सानना है, हल्का चुटकी भर नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या होता है, घर में बरकत होती है। तो आटे में आप एकदम, मतलब ढीला सानो, जैसे कि आप मटर, क्योंकि हरा मटर मैं डाल रही हूँ ना, तो हरा मटर को मैं ग्राइंड करके या चॉप करके ऐसे नहीं डालूँगी, मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ हरा मटर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटा पहले गूँथ के रख दिया है, एकदम ढीला चूता चूता आटा बिल्कुल आपको लगाना है, बिल्कुल ढीला। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद देसी घी थोड़ा एक चम्मच, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लहसुन मिर्चा का मैं तड़का लगाकर, आप जीरा का भी तड़का लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ मेथी, मेथी को मैं अच्छे से कुरकुरे फ्राई करूँगी। और मेथी पहले से ही दोस्तों ध्यान रहे कि काटने के बाद धुले ना, और धुलने के बाद ही काटे, और काटने के बाद धुले ना, पहले ही काट ले, नहीं तो उसका सारा विटामिन्स चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर दे रही हूँ मेथी, इत्तू से हो गई है, जित ढेर सारा था इत्तू से हो गई। तो हरे मटर को मुझे ग्राइंड करके या चॉप करके नहीं ऐसे कुछ डालना है, डायरेक्ट ऐसे डालना है, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं मटर ना, आप जब तेल में फ्राई करेंगे ना तो अपनी आप वो ऐसे फट ऐसे जाते हैं, फट जैसे जाते हैं, तो वो ना ऐसे आप हाथों की मदद से या करछी की मदद से आप अच्छे से उसको फोड़ देंगे ना तो अपनी यहाँ फूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, हल्का सा मिर्चा पाउडर और हल्का सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ताकि ये जो मेथी का, मतलब ये कसैलापन होगा ना तो वो दूर हो जाए। इस मतलब इसीलिए आमचूर पाउडर डाला जाता है, ताकि खट्टापन रहे। अगर आपको नहीं पसंद है तो अवॉइड कर सकते हैं। और सपोज दैट अगर आपके पास ना हो अमचूर, तब का क्या डालेंगे, तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब होती है टिप्स पराठे बनाने की, जो कि बहुत ही काम आती है हर पराठे में।
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने अच्छे से बारीक कर दिया है और सॉफ्ट मैंने फ्राई कर दिया है मटर को। और यहाँ पे 2 चम्मच लगभग मैं भर के मलाई डाल रही हूँ। मलाई डालने का एक फ़ायदा होता है कि आपका मतलब जो भी आप कोई भी सामान बनाते हैं मलाई डालने, स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है और साथ में मतलब जो फ्लेवर बहुत ही गजब की आती है। तो आपका ऑप्शनल है, अगर मलाई डाल सको तो डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको ग्रेट करके ही पनीर डालना है देखिए। और मैंने थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में डाला था तो उसको अच्छे से मैंने करछी की मदद से फोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए एकदम भुजड़ी मेरा बन चुका है पनीर भी। और इसको अच्छे से हम चलाए बलाएंगे और इसके बाद निकालेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी आप सबको कि मतलब आप ना अगर मेथी की कोई भी ऐसे मतलब भुजिया, या भुजिया में खैर आलू होता है, लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या जिनको आलू फैट की वजह से नहीं खाना चाहते, हेल्दी चीज़ खाना चाहते हैं, तो हेल्दी सब्जी, हेल्दी कोई भी ऐसी रेसिपी, तो उनमें पनीर का प्रयोग ज़रूर करें और उससे बेस्ट होता है उनके हेल्थ के लिए। और पनीर क्या होता है कि ये मेथी की कड़वाहट को दूर करते हैं और आमचूर पाउडर डाल देंगे या नींबू, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इस तरीके से आप मेथी और मटर मतलब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं एक ले ली हूँ चकला, मतलब एक ऐसे गोली एक लड्डू बराबर लोई, और उसको चकले बनाकर और बीच में थोड़ा गहल कर उसके अंदर मैं फिलिंग सारा डाल दी हूँ जो भी मेथी का मसाला था। और डालने के बाद उसको चुनौट दूंगी और चुनौटने के बाद ऊपर का जो लेयर वाला आटा रहेगा उसको निकाल दूंगी। तो ये क्या होगा ना कि बहुत ही मतलब एकदम भरी भरी पूरियां बनेंगी। और ये ऐसे बिल्कुल आटा रहेंगे ना ऊपर से, तो हो सकता है मतलब कभी ऐसे जल्दी आँच में आप बना दो तो कच्चा एकदम बिल्कुल रहेंगे, तो ऊपर का लेयर ज़रूर निकालें। तो यहाँ पर फिर सूखे आटे परथन बोलते हैं, परथन से लगा कर उसके बाद आप हाथों से अंगुलियों से, बिल्कुल आपका फटेगा नहीं इस तरीके से आप बनाएंगे तो, चाहे किसी भी पूरियों को जो अगर जिनका फटता है, तो इस तरीके से मतलब सारे फिलिंग जो अंदर भरे हो मसाले उसको प्रेस कर दीजिए हाथों से, अंगुली की मदद से ही चारों तरफ से। उसके बाद हल्के हाथ से बेलन, क्योंकि आपके फिलिंग ज़्यादा डाले हो, आप मसाले ज़्यादा डाले हो तो वो जाहिर सी बात है कि स्किन पे यानी रोटी के ऊपर दिखेंगी, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए फटेंगी नहीं ये, हल्के हाथों से आप बेलेंगे। दोस्तों मैं कैमरा फुल नहीं दिखा पा रही हूँ, आप समझ सकते हैं ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है तो मैं एक ही हाथ से बना रही हूँ, कैसे कैसे भी करके आप अब नहीं बताऊँगी। लेकिन ये देखिए इस तरीके से पूरियां बन के रेडी हो गए। चलिए इसको तवे पे सेकते हैं। तो यहाँ तवे पे मैंने डाल दिया है पूरियां और अब इसको तुरंत मैं पलटूंगी 1-10 सेकंड के अंदर। उसके बाद घी या बटर या आप रिफाइन ऑयल, शुद्ध राई, ठंडी में तो शुद्ध राई ही बेस्ट लगता है और पूरियों के साथ मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए घी डालकर आप अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए या रिफाइन ऑयल जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे रिफाइन या घी डालकर आप इसको दोनों तरफ जल्दी जल्दी लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए कचौरियाँ पूरियाँ फूलने शुरू हो गए हैं और ऐसे एकदम क्रंची और क्रिस्पी एकदम बनने शुरू हो गए। देखिए फूल गया ना मेरा पूरी, अगर फटे होते तो फूलते ही नहीं। तो इस तरीके से आप अगर इसकी फिलिंग बन के रेडी करते हैं पूरियाँ, तो इसी तरीके से मैंने सारे 2-4-6 जितने भी आपके ज़रूरत हैं तो बना सकते हैं। मटर तो चूँकि डाला है हमने तो मटर तो जाहिर सी बात है कि ऊपर दिखेंगे ही, तो यहाँ पे देखिए बनाते बनाते मटर ऊपर आ गए हैं। अगर मटर आप चिपटा कर दोगे हाथों से तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएंगी, या आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो। तो यहाँ पर देखिए मसाले वाली दही में सिर्फ मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा, और यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्ती डाल के डेकोरेट कर दिया है। तो पूरियों के साथ दही की क्या बात है। और जब नेचुरल जगह पे आपको खाने की अगर मिल जाए और तो मज़ा तो अलग ही है दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, तो यहाँ भी देखिए अब चलते हैं खाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरी मेथी की पूरी। तो पूरी अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, नीलू स्वीट किचन को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग कब बना रहे हो ये मेथी वाली और पनीर वाली मटर वाली पूरी। तो मेथी विथ पनीर विथ मटर की तो बात ही कुछ और है, तो बनाइए खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरी वीडियो में।